सारे रामा दल को सदैव के लिए समाप्त कर देगा। जिस लंका बजे रावण के भय से धर धर कांपते हैं। छह कटहल का जो फल नहीं देता है पर फल देता है वो सोचते नहीं है कर डरते हैं। और तीसरा वृक्ष है गुलाब का जो फल नहीं देता है और फूल देता है जो मनुष्य कहते हैं पर कर नहीं पाते हैं। आप जैसे योद्धा उन्हीं में हो। रावण के विषय में भली भांति ज्ञान नहीं है। लंकावती रावण वे है जो अपने मुख से निकले एक शब्द को यथावत चोत्र का तो पालन करने के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दे रहा है लेकिन समझौतावादी नीति को स्वीकार नहीं करता है। तुमने कहा कि मैं तुम्हारी तुलना करता हूँ गुलाब के फूल से, फूल देता है परंतु वो फल नहीं देता है। अर्थात तुम कहते बहुत कुछ, केवल लंकावती रावण ऐसा है जो कहता है सो करता है। एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। हर हर महादेव, जय महाकाल। कुंभकर्ण जैसे महान वीर योद्धाओं के वीर गति का बदला होगा। सावधान। कुछ राजनीति सीख कर आओ। महाराज रावण को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज रावण को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। हे भैया, ये तो मृत्यु सैया पर है फिर भी इसका अहंकार नहीं गया। तुम किस तरफ से गए थे? सिर की तरफ से। यदि किसी से कुछ सीखना हो तो सिर की तरफ से नहीं, जिधर चरण होते हैं उधर से जाया जाता है। तुम पुनः जाओ, वो अवश्य बोलेंगे। महाराज रावण को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज हेलो, महाराज रावण को लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार हो। ओ लक्ष्मण, मेरे समीप में क्यों आए हो? रावण, जग में तुमसा योद्धा न तुमसा ज्ञान वाला कोई। तुम नीति विषाद पंडित हो, तुमसा ना ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले कुछ नीति सिखलाते जाओ हमें। ऐ ज्ञानी, अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें।
लक्ष्मण तुमने आने में मेरे पास विलंब कर दिया, फिर भी मैं तुम्हें कुछ ना कुछ नीति अवश्य बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे भैया राम से वार्ता करना चाहता हूँ। अपने भैया राम को मेरे समीपे भेजो। प्रणाम आयुष्मान भव राघव राम, मैं जानना चाहता हूँ विशाल संग्राम में विजय किसकी हुई। विजय तो महाराज रावण हमारी हुई है। नहीं राघव राम, तुम्हारी विजय नहीं हुई, युद्ध में मेरी विजय हुई। मैंने निश्चय किया था कि मैं अपने जीवित रहते तुम्हारी सेना को और तुम सबको लंका में प्रवेश नहीं करने दूंगा, और अपने जीवित रहते तुमको तुम्हारी सेना को मैंने लंका के अंदर प्रवेश नहीं कर दिया। अब लक्ष्मण को मेरे प्रश्न का उत्तर चाहते मैं देना चाहता हूँ। लक्ष्मण सुनो ध्यान से, राजनीति के प्रथम बिंदु, राजनीति का पहला बिंदु है कभी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका परिणाम है कि त्रैलोक के विजेता स्वर्णपुरी लंका सम्राट आज धौड़ी पर है जो अजय रहा। कोई भी कार्य कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने विचार किया था मैं काल को समाप्त कर दूंगा, ना रहेगा काल ना होगी किसी की मृत्यु, लेकिन आज मार दूंगा कल मार दूंगा, यही करते करते आज वो ही काल मेरा काल बन बैठा। मैंने निश्चय किया था भूमि से लेकर के स्वर्ग लोक तक स्वर्ग सीढ़ी का निर्माण करूंगा, परंतु आज और कल के कारण वो विचार मेरा विचार ही बना रहा। अपना धनुष और बाण लाओ। दूर हटो और दूर हटो। राजनीति का बिंदु है लक्ष्मण, कभी अपने शत्रु को अपना शस्त्र नहीं देना चाहिए। तुम मेरे सामने निहत्थे हो और निहत्थे शत्रु के समक्ष कभी जाना नहीं चाहिए। मैं अगर चाहूं तो तुम्हारे धनुष बाण से मैं तुम्हारा वध कर सकता हूं। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। शत्रु कितना भी प्रिय हो जाए, लेकिन शत्रु पर इतना अधिक निश्चिंत होकर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लो धनुष बाण, अगर और पहले मिले होते। मेरी ये गति नहीं दुर्गति होती। जय श्री राम। हरे हरे।